खाने की, और मेरा जो परिवार है वो कभी भी बंगाली के खिलाफ नहीं था, कोई कभी भी मुसलमान हिंदू क्रिश्चियन के खिलाफ हमने पॉलिटिक्स नहीं किया है, और हम सिर्फ अपना कम्युनिटी का जो इंडिजिनस लोग हैं उनके बारे बात कर रहे हैं, किसी के खिलाफ बात नहीं की। हम आशा करते हैं कि गांव से भी बहुत लोग आएंगे, अगरतला से भी बहुत लोग निकलेंगे, हम लोग शांति से पीसफुली यहाँ में अपना जनसभा रख रहे हैं, और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड है उसके बारे कल हम लोग बात करेंगे। पहले से मैं बोलना चाहता हूँ कि हम पहले से क्लियर करना चाहते हैं कि हम किसी के खिलाफ या किसी के अधिकार को छीनने के बारे बात नहीं कर रहे हैं। आप कभी कभी गांव में आकर देखिए, हमारा सिचुएशन बहुत ख़राब है, और हम अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो हमने ये डिमांड रखा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हमारे बारे सोचना चाहिए, ये जो प्रॉब्लम त्रिपुरा में है वो बंगाली और की प्रशा का नहीं है, ये जो प्रॉब्लम है ये 70 साल से एक रॉन्ग पॉलिसी दिया गया था ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास एक मौका है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड को एक लॉजिकल सोल्यूशन लेकर आए। हम इसके लिए आशा करते हैं कि कल हम लोग यहाँ में एक आवाज़ में बात करेंगे। हमेशा हमें बोला गया है कि आप हमेशा कुमलुंग में जनसभा करते हो, ख्वाय में करते हो, कंचनपुर में, अम्बासा में, कोरबुक में, जुलाईबारी में, आप क्यों नहीं अगरतला में करते हो? तो कल मैं अगरतला में हम लोग शांति से प्यार से सबको लेकर अपना जनसभा करेंगे, और अपना संवैधानिक अधिकार जो है उसको हम लोग हाईलाइट करेंगे और रेज करेंगे। सर, कल का जनसभा में आप लोग त्रिप्रसाद है उसके बारे में बंगाली का कोई लीडर रहेगा या कुछ? अगर बंगाली लीडर्स को आके बात करना, कल हमारा त्रिपुरा मोथा का पार्टी का प्रोग्राम है, और ये सिर्फ त्रिपुरा मोथा का प्रोग्राम है, तो सिर्फ त्रिपुरा मोथा का ही लीडर बात करेंगे। सर, कितना लोग आएगा आपको? वो आप कल खुद आके देख लीजिए, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि लोग आएंगे। जैसे सब लोग बोलते हैं कि अगरतला सबका है, तो हमें भी 6 साल से कोई भी रीजनल पार्टी को अगरतला में प्रोग्राम करने का मौका नहीं मिला है, हम कर रहे हैं और हम अच्छे तरीके से करना चाहते हैं, और मैं अपील करता हूँ कि आप जो हम लोग गाँव से जो लोग आएंगे आप उनको प्यार से स्वागत करो, हम भी अच्छे तरीके से डिसिप्लिन होकर ये प्रोग्राम करना चाहते हैं। का जो कॉमन पर्सन है, बंगाली हो या त्रिप्रासा हो, हिंदू हो या मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो, वो प्रॉब्लम चाहता है। ये जो प्रॉब्लम हुआ जाता है वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोग करते हैं। इसी के लिए मैंने अपने लोगों को कहा है, अगर कोई हमारे लोगों को मारेगा भी, तो अगर खून बहता है हमारे लोगों का तो बह जाओ, लेकिन आप रिएक्ट मत करो। हम अपना मेन फोकस है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंडा, अगर कोई आपको प्रोवोक भी करना चाहे तो आप मत प्रोवोक हो। हमारा एजेंडा मेन इशू है कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन फॉर ग्रेटर त्रिपुरा लैंड, उससे हमको अपना फोकस नहीं हटाना है। और जब ये सब उल्टा चीज़ होता है, जब वायलेंस होता है, तो त्रिपुरा का नाम खराब होता है, हमारा नाम खराब होता है, सबका नाम खराब होता है। तो इसमें नहीं जाकर कॉन्स्टिट्यूशनली शांति से अपना डिमांड रखो, ये देश गांधी का देश है, और यहाँ में हमको शांति से अपना उद्देश्य निकालना है।